पेपर ये मैंने कर दिया है रिकॉर्डिंग स्टार्ट ठीक है ना सबको मेरा वॉइस आ रहा है येस और नो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट का पेपर निकाल लेंगे हम लोग सब ठीक है ना इंडियन इंस्टीट्यूट का पेपर निकाल लेंगे चलिए आइए वॉइस आ रहा है कि नहीं बताओ खुशी बेटा तो ये हम लोग कर रहे हैं आई का मे 2024 हजार चौबीस का पेपर ठीक है ना तो पहला क्वेश्चन आइए एज वी मूव डाउन द इंडिफरेंस कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ठीक है ये रहा हमारा आईसी कर्व ठीक है द स्लोप ऑफ द इनडिफरेंस कर्व टेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिटी जीरो डिक्लाइन या फिर राइज ऑब्वियस सब बात है आप देख पा रहे हैं यहां पर कि स्लोप क्या हो रहा है बताइए कमेंट बॉक्स में स्लोप क्या हो रहा है गिर रहा है तो इस वाले पार्ट का आंसर क्या होगा डिक्लाइन ठीक है ये होगा क्वेश्चन नंबर टू में आइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रैंडम वेरिएबल्स आर डिफाइंड इन रेस्पेक्ट ऑफ सैंपल स्पेसिस प्रोबेबिलिटीज मेजर्स आर एसोसिएटेड विद सैंपल स्पेसिस प्रोबेबिलिटीज मेजर्स आर एसोसिएटेड विद इवेंट स्पेसिस इवेंट स्पेस इज सेट कंटेनिंग द सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस डी तो होगा ठीक है प्रोबेबिलिटी मेजर्स आर एसोसिएटेड विद इवेंट स्पेसेस क्यों बिकॉज मान लेते हैं अगर मैं सैंपल स्पेस मानता हूं थ्रोइंग अ डाई तो सैंपल स्पेस बनेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और अगर मैं इवेंट को डिफाइन करता हूं ऑड नंबर तो ऑड नंबर का क्या हो जाएगा वन होगा थ्री होगा फाइव होगा तो मैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालूंगा ना फेवरेबल बाई टोटल तो सी और डी करेक्ट होगा तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी मेजर्स आर एसोसिएटेड विद इवेंट स्पेसिस एंड इवेंट स्पेस इज अ सेट कंटेनिंग द सबसेट्स ऑफ सैम्पल स्पेसेस ठीक है ना तो so, बहुत इजी इजी एमसीक्यू है दो दो नंबर के आइए क्वेश्चन नंबर थ्री इफ अ मार्केट इज इन एफिशियंट एंड एज अ न्यू इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड अबाउट अ सिक्योरिटी देन नथिंग विल हैपन स्टॉक प्राइस विल फॉल एट फर्स्ट एंड देन

एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक ठीक है ना इसके बाद में क्वेश्चन नंबर फोर पे आइए कंसिडर एन अमेरिकन पुट ऑप्शन ऑन अ नॉन डिविडेंट पेइंग शेयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट क्या बोलता है अमेरिकन पुट ऑप्शन का बात कर रहे हैं ऑन अ नॉन डिविडेंट पेइंग शेयर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इंक्रीज हम लोग को बोल रहा है पुट ऑप्शन का बात कर रहे ठीक है थीके? और वो भी अमेरिकन ऑन और बिफोर एक्सपायरी बोलते हैं इसको ठीक है इंक्रीज इन शेयर प्राइस विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन इंक्रीज इन प्राइस विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन एक एक करके देखते हैं अगर शेयर प्राइस बढ़ेगा तो पुट का दाम शेयर प्राइस बढ़ेगा तो पुट का दाम गिरेगा ठीक है इंक्रीज इन प्राइस अगर के बढ़ेगा अगर के बढ़ेगा तो भी पुट का दाम गिरेगा ठीक है इंक्रीज इन टाइम टू एक्सपायरी अगर टी माइनस टी बढ़ेगा तो पुट का दाम बढ़ेगा बट यहां पर गिरावा लिखेगा इंक्रीज इन द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट अगर आर एफ बढ़ता है अगर आर एफ बढ़ता है इंक्रीज इन द एक्सरसाइज प्राइस अगर के बढ़ता है एक मिनट को तो हम लोग क्या करते हैं के माइनस एस टी करते हैं ना तो यहां पर पुट का दाम बढ़ेगा मैक्स ऑफ के माइनस एस टी को जीरो है ना तो ये वाला एक गलत हो गया एक ये वाला गलत हो गया आर एफ ए एंड डी लग रहा है मेरे को तो फोर का थ्री हाँ एकदम सही है क्योंकि देखो रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है अगर आपके पास में कैश होता अगर आपके पास में कैश होता तो आप इन्वेस्ट करते आर एफ पे और आप इंटरेस्ट कमाते ज्यादा बट आपके पास में तो शेयर है शेयर है एंड यूर वेटिंग टू सेल इट एंड इन द मेन टाइम अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा आपको नुकसान होगा राइट ऑन द इंटरेस्ट तो देोज शेयर में तो उतना ही डिविडेंड मिलेगा शेयर का जो डिविडेंड पेमेंट है वो तो कांस्टेंट ही है ठीक है सो बेसिकली इंक्रीज इन द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन तो ये भी सही है ठीक है ना ये सही है माने ये मैंने लिखा तो सारा ही सही है बट ये दोनों जो है बेसिकली बी गलत है और सी गलत है ठीक है बी गलत है और सी गलत है एक चीज समझ लेना पुट ऑप्शन का बात हो रहा है तो पुट ऑप्शन का मतलब क्या होता है मैक्स ऑफ के माइनस एस टी कॉमर जीरो तो बहुत इजी है देखो बोलते हैं शेयर प्राइस बढ़ेगा तो शेयर प्राइस अगर बढ़ेगा तो पुट का दाम गिरेगा फिर बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस अगर बढ़ेगा तो पुट का दाम तो बढ़ना चाहिए ना पुट का दाम बढ़ना चाहिए लेकिन लोग क्या लिखा गिरेगा तो ये गलत हो गया टाइम टू तो एक्सपायरी बढ़ने से भी पुट का दाम बढ़ता है तो इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन होगा ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव देखो फॉर अ थ्री मंथ यूरोपियन कॉल ऑप्शन टोटल में अगर आप देखेंगे आपको ये लोग दिया है सत्रह एमसीक्यू दिया है सत्रह एमसीक्यू आपको ये लोग दिया है ठीक है अप्रोक्सीमेटली फोर्टी मार्क्स का एमसीक्यू है फॉर अ थ्री मंथ यूरोपियन कॉल ऑप्शन ऑन अ नॉन डिविडेंट पेइंग शेयर द करेंट शेयर प्राइस इज वन जीरो फोर जीरो एंड द स्ट्राइक प्राइस इज वन थाउजेंड तो क्या बोलता है थ्री मंथ थ्री मंथ यूरोपियन कॉल ऑप्शन थ्री मंथ यूरोपियन कॉल ऑप्शन ऑफ अ नॉन डिविडेंड पेइंग शेयर द करेंट शेयर प्राइस इज इतना so, मेरे को शेयर का दाम दे दिया है वन जीरो फोर जीरो ठीक है और मेरे को स्ट्राइक प्राइस दे दिया है वन थाउजेंड आर एफ मेरे को दे दिया है आर एफ मेरे को दे दिया है बारह परसेंट का एंड वोटी जो मेरा सिग्मा जो है प्राइस ऑफ दिस कॉल ऑप्शन इज वन जीरो हम लोग उससे निकाल सकते हैं ना ब्लैक स्कोल से ठीक है इफ द स्ट्राइक प्राइस एंड करेंट शेयर प्राइस इज हाफ देन प्राइस ऑफ द कॉल ऑप्शन विल बी हाफ ये देखना पड़ेगा कैलकुलेट करके इफ द स्ट्राइक प्राइस एंड द करेंट शेयर प्राइस इज हाफ प्राइस ऑफ द कॉल ऑप्शन विल बी डबल्ड गिवन इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशियंट टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द कॉल ऑप्शन ठीक है तो क्वेश्चन नंबर फाइव अगर हम लोग देखेंगे अगर हम लोग देखते हैं माने लोग बोलता है स्ट्राइक प्राइस एंड करेंट शेयर प्राइस बोल रहे हैं ना तो मान लो शेयर प्राइस न्यू वाला कितना होगा फाइव ट्वेंटी हो जाएगा वन जीरो फोर ज़ीरो है तो फाइव ट्वेंटी हो जाएगा एंड के जो है न्यू वाला वो क्या हो जाएगा फाइव हंड्रेड हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से मेरा पे ऑफ़ कितना आ रहा है ट्वेंटी और यहाँ से मेरा पे ऑफ़ कितना आ रहा है फोटी समझा तो इसलिए लोग क्या बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट तो फाइव वाला में फाइव का टू इज द करेक्ट ऑप्शन तो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट तो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट का मतलब क्या है आप प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन निकालना पड़ेगा आपको कैसे निकालेंगे एस टी फाइव डी वन माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक डी टू राइट आप निकाल लेना खुद से ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए वीक फॉर्म ऑफ एफिशियंट मार्केट हाइपोथेसिस इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वीक फॉर्म ठीक है इट शुड नॉट बी पॉसिबल टू कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बाय सेलिंग विनर बाय सेलिंग विनर्स एंड हैंगिंग ऑन टू लूजर्स

Okay, they have said it. It should not be possible to consistently profit by trading on any public information such as that found on the internet or in the financial newspaper. So, this basically uh, they are talking about the uh, technical, technical charts, etc. It should not be possible to consistently profit by trading on private information such as that obtained through analysis of the company and its industry. This is they are talking about the fundamental part. So, uh, I guess it should be, it should not be, it should not be possible to consistently profit by selling winners. तो so, selling winners, ये जो strategy है selling winners, तो so, selling winners का मतलब क्या है बस समझना कि past में मान लो कोई company का share price है 500, 500 से गया 550, फिर गया 600, फिर गया 650. तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो पास्ट डेटा के बेसिस में अब आप इस पर सेल का ट्रेड लगा रहे हो ठीक है और एक कंपनी है जो हजार से गया 800 800 से गया 600 600 से गया 500 ठीक है अब आप इस पर बाय का ट्रेड लगा रहे हो तो आप पास्ट हिस्ट्री के, के बेसिस में ट्रेड कर रहे हो ना आप पास्ट हिस्ट्री के बेसिस में ट्रेड कर रहे हो तो सो अगर आप पास्ट हिस्ट्री के बेसिस में ट्रेड कर रहे हो मतलब क्या हो जाएगा आप टेक्निकल पे ट्रेड कर रहे हो है ना तो ये तो काम नहीं करेगा बेसिकली so इसीलिए मेरे हिसाब से इसका होना चाहिए टू बट सिक्स का वन आंसर है ओनली ओके सो बेसिकली देखो यहां पर ये लोग क्या बोल रहे हैं एनी पब्लिक इंफॉर्मेशन बोला है ना ओनली ए मतलब ये वाला तो नहीं होगा ठीक है इट शुड नॉट बी पॉसिबल मतलब ये तो सही है ठीक है अब देखो सिक्स का वन ये लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बी में ना ये लोग बोले हैं एनी पब्लिक इंफॉर्मेशन एनी पब्लिक इंफॉर्मेशन एनी पब्लिक इन्फॉर्मेशन तो इट कैन बी टेक्निकल एज वेल यहीं पर मेरे को भी कंफ्यूजन हुआ था इट कैन बी टेक्निकल एज वेल एज इट कैन बी फंडामेंटल ठीक है ना तो वो टेक्निकल भी हो सकता है और वो फंडामेंटल भी हो सकता है तो इसीलिए बेसिकली अगर कोई चीज टेक्निकल भी और वो फंडामेंटल भी है तो इसीलिए ये लोग यहां पर बोले ये चीज ठीक है ना तो इसलिए खाली ए होगा देखो प्राइवेट मतलब ही तुम्हारा क्या हो जाएगा प्राइवेट मतलब ही तुम्हारा क्या हो जाएगा प्राइवेट मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ प्राइवेट मतलब ही तुम्हारा इनसाइडर हो जाएगा ठीक है ना इसीलिए तो इसलिए खाली ए होगा अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन पे आओ कंपनी डिक्लेयर्स यहां तक सबको समझ में आया yes no? ये, ये और नो पहले बताइए मिताली बनी यशार्थ एंड खुशी सबको समझ में आया ये और नो बताओ ओके, कंपनी डिक्लेयर कैश डिविडेंड अनएक्सपेक्टेडली वॉट वुड बी इमीडिएट इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन प्राइस ऑन कंपनी शेयर ठीक है कैश डिविडेंड दे दिया है कैश डिविडेंड देखो कैश डिविडेंड देना का मतलब क्या है कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया मतलब जो शेयर प्राइस है वो गिरेगा एक्स डिविडेंड पे तो the value of the call option will increase the value of the put option will increase इसको हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं अगर को, अगर इसके पर देखने दो the value of the put option will increase ठीक है क्योंकि शेयर प्राइस नीचे जा रहा है तो बी एक बार के लिए मेरे को सही लग रहा है the value of the call option will remain unchanged the value of the call option will decrease कॉल ऑप्शन का वैल्यू डिक्रीज होगा तो बी और डी सही लग रहा है तो थ्री होना चाहिए इसका आंसर हाँ एकदम सही है ठीक है ना तो बेसिकली कुछ भी नहीं है देखो कंपनी का जो इक्विटी जो है इक्विटी में क्या होता है एक तो शेयर होल्डर्स हो, बेसिकली इक्विटी होगा और इसमें तुम्हारा क्या होगा प्रॉफिट्स होगा राइट तो प्रॉफिट से कंपनी क्या किया कैश डिविडेंड दे दिया तो कैश डिविडेंड देने से जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक लाख रुपया किसी कंपनी का प्रॉफिट था

एस टी माइनस के कॉमा जीरो एंडपुट ऑप्शन में क्या होता है मैक्स ऑफ के माइनस एस टी इसका वैल्यू गिरेगा और इसका वैल्यू बढ़ेगा वही लिखा है ठीक है ना बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन मैं करा रहा हूं चाहे आई एफ ओ के स्टूडेंट्स हो चाहे आई आई के हो दोनों को ही आप लोग को ये अलग काम में आएगा ठीक है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है सब तो आइए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर एट में आइए कंसिडर द फॉलोइंग इन रिलेटिंग टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ रूइन फॉर अ क्लेम्स प्रोसेस ऑपरेटिंग इन कंटिन्यूस टाइम विच ऑफ दिच ऑफ दीज इन आर करेक्ट ठीक है बार देखते हैं अपने को क्या बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ यू टी वन ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ यू टी वन इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ यू टी टू ठीक है If टी वन लेस देन टी टू अगर ऐसा है तो तो देखो हम लोग को क्या पता है कि कम टाइम में कम टाइम में क्या होगा रूइन होने का जो प्रोबेबिलिटी है कम टाइम में रूइन होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होगा फिर हम लोग को बोलता है प्रोबेबिलिटी यू वन कॉमा टी विल बी लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी यू टू कॉमा टी इफ जीरो यू वन यू टू इसका मतलब क्या है अगर सरप्लस कम है तो रूइन होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा अगर सरप्लस कम है तो रूइन होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा ठीक है तो इसका मतलब क्या है ये वाला गलत है और यह वाला सही है ठीक है एंड जीरो यू टी विल ऑलवेज प्रोबेबिलिटी है तो जीरो और वन के बीच में लाई करेगा तो ए एंड सी आर करेक्ट मेरे को जो लग रहा है तो क्वेश्चन नंबर एट में टू हां ए एंड सी आर करेक्ट ठीक है ना आइए अब क्वेश्चन नंबर नाइन में आइए विच ऑफ़ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इग्नोर्ड इन द स्पेसिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी कौन कौन सा ऐसा स्पेसिफिकेशन है देखा सी एम टू में थियरी पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है जो भी सारे एजम्पन्स है लिमिटेशन है ये सब अपने को अच्छे से एकदम पूरा पढ़ना पड़ेगा ठीक है विच ऑफ दॉलोइंग फैक्टर्स आर इग्नोर्ड इन द स्पेसिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी तो रैशनैलिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स रिस्क एवर्जन ऑफ इन्वेस्टर्स स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस तो मीन मॉडर्न पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है MVPT टी बोलते हैं इसको MVpt मतलब mean Variance Portfolio Theory. तो ना देखेंगे, ना देखेंगे देखेंगे स्क्यूनेस तो C and D, मतलब Part 2 will be correct. 9 का अपने अपने क्या करते हैं भी नहीं देखते हैं और अपने, है. है अपने स्क्यूनेस भी नहीं देखते हैं और अपने कर्टोसिस भी नहीं देखते तो अपने ये दोनों ही नहीं देखते हैं ठीक है ना नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर टेन पे आओ पिक डू यू व्हाट डू दी सिंबल्स डिनोट रो थीटा एंड लैमडा तो रो थीटा और लैमडा तो लैमडा तुम्हारा किसका हो गया रो तुम्हारा किसका हो गया और थीटा तुम्हारा, तुम्हारा किसका हो गया बताओ uh, 10 का पार्ट फोर मैंने बेसिकली ये रो तुम्हारा हो गया इंटरेस्ट रेट का ठीक है अगर इंटरेस्ट रेट में चेंज होगा तो तुम्हारा डेरिवेटिव में कितना चेंज होगा थीटा तुम्हारा हो गया टाइम टू एक्सपायरी ठीक है ना एंड ये तुम्हारा हो जाएगा डिविडेंड के लिए ठीक है क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ अ गैम्बलर विंस 500 वेन अ कॉइन कम्स अप हेड्स एंड लूजेस 750 वेन द कॉइन कम्स अप टेल्स सो हेड्स आने पे क्या होगा प्लस +500 और टेल्स आने पे क्या होगा माइनस -750 इफ पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन शोइंग हेड्स तो हेड्स का प्रोबेबिलिटी है पी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब मार्टिंगल इज़ अ सब मार्टिंगेल ठीक है गैम्बलर्स फॉर्च्यून ओवर टाइम वेन पी जीरो पॉइंट फोर फाइव गैम्बलर्स फॉर्च्यून ओवर टाइम वेन पी जीरोस फॉर्च्यून ओवर टाइम वेन पी जीरो पॉइंट सिक्स गैम्बलर्स फॉर्च्यून ओवर टाइम वेन पी जीरो पॉइंट सिक्स फाइव ठीक है तो आप एक काम करो आप सब में ना पहले एक्सपेक्टेड चेंज निकालो ठीक है एक्सपेक्टेड चेंज पहले आप निकालो तो सब मार्टिंगेल का मतलब क्या होता है क्वेश्चन नंबर इलेवन का लोग टू आंसर लिखे हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर इलेवन का लोग टू आंसर लिखे हैं ठीक है थीके? अगर आपने पॉइंट फाइव लेके करते हैं ठीक है थीके? तो पॉइंट फाइव में क्या होगा देखो जीरो पॉइंट फाइव इंटू फाइव हंड्रेड माइनस सेवन फिफ्टी इंटू जीरो पॉइंट फाइव सो बेसिकली रियल में अगर आप देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है हेड्स का होता है 0.5 और टेल्स का होता है 0.5 तो ये अपना कितना आ रहा है 250 माइनस आएगा आपका 700 है ना साढ़े तीन सौ थ्री आएगा तो ये कितना आ रहा है 125 नेगेटिव आ रहा है है ना 125 तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है ठीक है देख लो इसको यहां तक तो वन नेगेटिव आ रहा है ना तो सब मार्टिंगेल का मतलब क्या होता है एक्सपेक्टेड देखो यहां पर अपने को इतना सर दिया ना पॉइंट फाइव दिया है पॉइंट सिक्स दिया है पॉइंट सिक्स फाइव दिया फोर फाइव दिया है तो अपने को कुछ भी नहीं करना है एक्सपेक्टेड चेंज एक्सपेक्टेड चेंज निकालना था इसमें एक्सपेक्टेड चेंज नेगेटिव आ रहा है मतलब ये सब मार्टिंगेल है ठीक है अगर एक्सपेक्टेड चेंज पॉजिटिव आता तो सुपर मार्टिंगेल हो जाता ठीक है यही अपने को देखना था और कुछ भी नहीं देखना था देख लो क्वेश्चन नंबर इलेवन जो रियल प्रोबेबिलिटी है वही ना लेंगे हम लोग ऐसे कुछ भी थोड़ी पी ले लेंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द एडजस्टमेंट आर इन लून इन इक्वालिटी इज नेगेटिव देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू बोलता है आर जो है आपका आर आपका नेगेटिव आ रहा है आर आपका नेगेटिव आ रहा है ठीक है तो इसमें से कौन सा सही है द स्टेटमेंट इज इन करेक्ट एज आर इज ओनली पॉजिटिव द स्टेटमेंट इज इन करेक्ट एज आर इज ओनली Uh, positive the statement is incorrect as r is unique and positive yoga r should be r should be unique and positive Ye hoga answer the statement is incorrect as r is unique and negative the statement is correct as r is always the root of lundberg's inequality Nahin. which of the following behaviors of insured policy holders is adverse selection Which of the following behaviors of insured policyholders is adverse selection? A person with comorbid conditions availing a group term insurance through a a person with comorbid conditions availing a group term insurance through the employer. A vehicle owner parking the car below a tree during windy uh, rainy season. A biker riding the bike carelessly after buying. एडिशनल एक्सीडेंटल कवर ठीक है सो देखो मेरा बात सुनो एडवर्स सिलेक्शन का मतलब क्या होता है जब मेरे को जब मेरे को सेम प्रीमियम लगेगा बट मेरा हेल्थ कंडीशन अच्छा नहीं है नॉर्मल लोगों से ठीक है तो बेसिकली यहां पर ध्यान देंगे अगर तो यहां पर थर्टीन वाले का आंसर होगा वन क्योंकि अ पर्सन बोला है ना अ को मॉर्बिड को मॉर्बिड कंडीशन मतलब उसका हेल्थ कंडीशन खराब है बट सिंस वो ग्रुप टर्म इंश्योरेंस ले रहा है, तो उसमें उतना मैटर नहीं कर रहा है उसको प्रीमियम उतना ही देना पड़ रहा है ठीक है इसीलिए आओ के बाद क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे आओ एन एनालिस्ट यूजेज अ टू स्टेट कंटिन्यूस टाइम मॉडल टू स्टडी द क्रेडिट रिस्क ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड इशूड बाई डिफरेंट कंपनीज कंपनी ए हैज इश्यूड टेन ईयर जीरो कूपन बॉन्ड्स द रिस्क न्यूट्रल ट्रांजेक्शन इंटेंसिटी फंक्शन फॉर कंपनी ए इज गिवन एज दिस सो अपने को लैमडा ए एस दे दिया है ये है जीरो पॉइंट जीरो फाइव एस ठीक है और एस एसलाइ कर रहा है आपका जीरो से टेन के बीच में ठीक है द रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी दैट द बॉन्ड विल नॉट डिफॉल्ट बिटवीन टाइम्स फाइव एंड टेन गिवेन दैट इट हैज एन डिफॉल्टेड टिल टाइम फाइव क्या बोल रहे ध्यान सुनो द रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी दैट द बॉन्ड विल नॉट डिफॉल्ट बिटवीन टाइम्स फाइव एंड टेन मैंने फाइव टू टेन के बीच में डिफॉल्ट नहीं करेगा गिवन दैट इट हैज डिफॉल्टेड टिल टाइम फाइव ठीक है तो कैसे करेंगे बताओ और यहां पर देखो अपने को जो एस दिया है ना तो एस इज लाइंग बिटवीन जीरो एंड टेन एस इज लाइंग बिटवीन जीरो एंड टेन ठीक है ओके okay. सो so, अपने को बोल रहा है कि फाइव से टेन के बीच में भी डिफॉल्ट नहीं करेगा गिवेन दैट इट हैज एन डिफॉल्टेड सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी अपने को किस चीज का निकालना है अपने को निकालना है नो डिफॉल्ट बिटवीन फाइव टू टेन गिवेन नो डिफॉल्ट टिलाइव अपने को ये निकालना है ठीक है ना बताओ कैसे करेंगे इसको कौन बताएगा अपने को ये दे दिया है अगर नो no डिफॉल्ट निकालना है तो अपने करेंगे एक्सपोनेंशियल माइनस इंटीग्रेशन जीरो से फाइव जीरो पॉइंट जीरो फाइव एस डी एस ठीक है तो सबसे पहले तो खुशी इस चीज का आंसर निकालो कितना आ रहा है बताओ आएगा ई टू दी पार माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव बाई टू इंटू एस स्क्वायर विच इज ट्वेंटी फाइव सबसे पहले तो ये बताओ कितना आ रहा है कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है वेनिशा, मिताली खुशी एंड यशार्थ कैलकुलेट करिए इसको बताइए कितना आ रहा है कैसे करेंगे बताओ तो खुशी कैसे कर सकते हैं इसको बताओ माइकॉन करके बताओ तो कैसे करेंगे इसको बहुत इजी है बताइए ठीक है काम करो ये निकाला है ना अब इसके बाद में निकालो एक मिनट इसका आंसर कितना आ रहा है मेरे को ये बताओ नो डिफॉल्ट टिल टाइम फाइव कितना आ रहा है पहले तो ये बताओ नो डिफॉल्ट टिल टाइम फाइव कितना आ रहा है बोलो मिताली बोलो कितना आ रहा है नो डिफॉल्ट टिल टाइम फाइव अपने को करना था टू दी पावर माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव डिवाइडेड बाय टू इंटू ट्वेंटी फाइव ये आ रहा है जीरो पॉइंट फाइव थ्री फाइव टू सिक्स ठीक है ना अब निकालो नो डिफॉल्ट टिल टाइम टेन टू दी पावर माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव बाई टू इंटू हंड्रेड बताओ कितना आ रहा है ये सब तो फटाफट -फड़ कैलकुलेट होना चाहिए यार बोलो जीरो पॉइंट जीरो एट टू जीरो यशार्थ ने सही आंसर लिखा है बताओ तो यशार्थ कैसे आएगा आंसर माइक कौन करो टू जीरो एट फोर बोलो यशार्थ कैसे आएगा जल्दी बताओ बोलो भाई बोलो तो ये जो अपने को निकालना था देखो नो डिफॉल्ट बिटवीन टाइम फाइव टू टेन गिवेन नो डिफॉल्ट टिल टाइम फाइव तो अगर अपने इसको करेंगे तो अपने कैसे करेंगे प्रोबेबिलिटी नो डिफॉल्ट तो अपने इसको कैसे लिख सकते हैं देखो प्रोबेबिलिटी नो डिफॉल्ट Between 5 to 10, intersection no default till time 5, whole divided by no default till time 5. So, this is nothing but no default till 10 divided by no default till 5. तो बेसिकली जीरो पॉइंट जीरो एट जीरो पॉइंट जीरो एट टू जीरो एट फोर डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट फाइव थ्री फाइव टू सिक्स ठीक है ना देख लो इसको Sir. हाँ बोलो बेटा कोई बात हाँ नो डिफॉल्ट नो डिफॉल्ट का इंडिपेंडेंट कैसे होगा बेटा अगर पहले डिफॉल्ट हो गया तो बाद में डिफॉल्ट फिर कैसे होगा वही तो मैं बोल रहा हूं तो इंडिपेंडेंट कैसे हुआ सोचो अगर तुम्हारा फाइव से टेन के बीच में डिफॉल्ट होना नहीं होना वो अगर पहला पांच साल पे डिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट कैसे हुआ ठीक है अगर पहले ही डिफॉल्ट हो गया तो स्पिरड में नहीं हो सकता ना डिफॉल्ट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता अगर पहले छक्का आ गया तो क्या बाद में छक्का नहीं आ सकता क्या आ सकता है ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में आओ Which of the following invalidates continuous log normal assumption in modeling investment returns? Which of the following invalidates continuous log normal assumption in modeling investment returns? The Kya bolta? Mean reverting nature of returns, volatility is constant over time, momentum effect of returns, drift is constant over time. इन वैलिडेट्स कंटिन्यूअस लॉग नॉर्मल एजम्पन तो क्या बोल रहे हैं? अगर लॉग नॉर्मल है अगर लॉग नॉर्मल है तो इसका लिमिटेशंस में आया था ये चीज और लिमिटेशंस का मतलब ही क्या होता है इनवैलिडेट्स इनवैलिडेट्स क्या इनवैलिडेट्स मीन रिवर्टिंग एंड मोमेंटम क्योंकि ये दोनों ही चीज लॉग नॉर्मल में बोलता है नहीं होगा ठीक है ना क्लेम ऑकर ऑन तो इसका आंसर होगा तीन नंबर बाकी तो वो एंड ड्रिफ्ट तो कांस्टेंट है ही ठीक है